अरे जब से नाम सुना मैया का, अच्छा बेटी, अरे मेरे दिल में उठे ओ मंगर मोए साथ लगा ले, मैं चलूं तुम्हारे संग रे मोए साथ लगा ले, मैं चलूं तुम्हारे संग। अरे जब से नाम सुना रे मैया तो मेरे दिल में उठी उमंग रे मने साथ लगा ले, मैं चलूं तुम्हारे संग रे मने साथ लगा ले, मैं चलूं तुम्हारे साथ। जय जय, क्या बात है भैया। और सुनिए बाबा, कहिए बेटी। अरे भारी मार पड़ी ईश्वर की बाबा बेटी, अरे भारी मार पड़ी ईश्वर की, मैं तो करमन की दुखियारी बाबा, करमन की दुखियारी। अरे भारी मार पड़ी ईश्वर की बाबा, करमन की दुखियारी रे बाबा, मैं तो करमन की दुखियारी। बाबा बेटी, अरे बालम मेरे अंधे बैठे, मेरे सब विधि से लाचारी बाबा, सब विधि से लाचारी। अरे बालम मेरे अंधे बैठे, मेरे सब लंगते लाचारी रे बाबा, मेरे सब लंगते लाचारी। अरे शरण तुम्हारी मैं तो आई गई भगत जी, कहिए बेटी। अरे शरण तुम्हारी मैं तो आई गई, चलो देख रूप और रंग रे मोए साथ लगा लो, मैं चलो तुम्हारे संग रे मोए साथ लगा ले, मैं चलो तुम्हारे संग। मोई संग में जो दुनिया बनाए ली जो मोए ले चलियो, मोई संग में जो दुनिया बनाए ली जो संग ले चलियो, अपने साथ लगा ली जो मोए ले चलियो, ओहे अपने साथ लगा ली जो संग ले चलियो। मोए मैया के दर्शन कराए दीजो मोए ले चलियो, हे मैया के दर्शन कराए दीजो संग ले चलियो, हे मैया के दर्शन कराए दीजो संग ले चलियो, मेरा सोया भाग्य जगाए दीजो मोए ले चलियो, मेरा सोया भाग्य जगाए दीजो संग ले चलियो, क्या कहा बेटी। हे भगत जी, जब से मैंने सिद्धर्गे का नाम सुना है, अच्छा बेटी, मेरे मन में उमंग उठ रही है, मैं तुम्हारे साथ उस नगर कोट धाम के लिए चलूंगी, उस देवी माँ के दर्शन पाऊंगी, मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी देवी मैया क्या क्या देती है। बेटी कहिए, आप मेरे साथ चलने के लिए कह रहे हैं जी भगवान, इससे पहले आप अपने महलों के लिए जाइए, अपने महाराज से आज्ञा लीजिए,
और तब मेरे पास आना, तब मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा बेटी। बाबा कहिए बेटी, एक बात जरूर कहूंगी। कहिए बेटी। मैं अपने महलों के लिए चली जाऊं और तुम मुझे यहाँ से बागों से छोड़ करके चले जाओ। नहीं बेटी, ये कहाँ की नीति है? हम झूठ नहीं बोलते बेटी। आज आजकल के साधु महात्माओं से विश्वास उठ गया है। बाबा कहिए बेटी। आसाराम बापू हुए वो भी जेल में, राम रहीम हुए वो भी जेल में, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? नहीं बेटी, हम नहीं जाएंगे। हम आपको सुबह 5 बजे यहीं पर मिलेंगे। अच्छा हाँ, पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए। ठीक है बेटी, तब महलों के लिए जाऊंगी। मैं 3 वचन देता हूँ। ठीक है ले बेटी, 1, 2 और 3। अरे ऐसी दे में बचन, ऐसे तो भगत जी में 6 बार मरवा लेती है पैगर। नहीं बेटी, इसी तरह से होते हैं। आज रानी महंदे भक्त ध्यानु को वचनबद्ध करके और कॉल करार करके महलों के लिए चलती है, कैसे भला? योगेंद्र शर्मा जी, बबलू सोरन भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो दरबार में आने का जल्दी से जल्दी कष्ट करें। हमारी जान को आ जाओ। अरे सुन भगत रगी बात, करानी ने चले वे की सूरत लगाई रे। आज रानी मोहन दे महलों में आ जाती है, दरवाजे पर ननद खड़ी मिलती है। नंदलिया से कहीं लगी, अरे नंदलिया। अरे हाँ भाभी। जी जी। कहो। मेरी बात सुनिए। सुना दियो। आप अपने भाई साहब के पास चली जाओ और कहना कि भाभी जात के लिए जा रही है, उसे खर्चा दे दो, पीले कपड़े बनवा दो। अच्छा हाँ, और समझा के कहना। क्या सुनिए बहन, कह दो। अरे जी जी, अपने भैया कोरी समा जइयो। आप अपने भाई साहब के पास चली जाओ और खर्चा दिलवा दो। ठीक है भाभी, मैं जात के लिए जाऊंगी, मानूंगी नहीं। मैं आपके लिए अभी व्यवस्था करके आती हूँ। ठीक है जाइए। चले तो जाऊंगी।
अरे भैया हाँ केवल कोरे अरे अंडे हाँ बीबी अरे निक बाहर को निकरिया बाहर को हाँ ले आ रहा हूँ तो आ जा आनो ही पड़ेगा कहा जाऊ आनो ही पड़ेगा अच्छा अरे हाथ पकड़ ले कैसे उठे आऊ अरे ले पकड़ियो डग पकड़ी अपने उन्ने मुंह पे ना पकड़ो जाए अरे हाथ पकड़ लेना मुंह ठाड़ो तो कर ले मुंह अच्छा, दिखाई ना दे हाँ आराम ते करियो को गिर गिर आ जा अरे छोरी अरे तू हट जा अरे तू बैठ जा को पे आप हट जा तू तो मार में डोल लियो बुढ़े हाथ में छोरी भाई ले शादियों ने आप देख ले भाई अरे छोरी एक बात बताऊं एक बात मैं सुन हाँ तेरी सबरी फूट गई अरे सगरी ने फूटती तो तू ऐसे वो तो बोलती ही ये क्यों फूट गई ही ये की और उस ये की सब फूट गई अब तू बता महलम सब ठीक ठाक तो हैं भैया हाँ महलों में सभी ठीक ठाक हैं फिर तू काय को हल्ला मचा रही है तेरी जोर भैया एक बार तू हंस ले हंस लो हाँ जो ऐसी कौन सी खुशी है जो मैं हंस लू अरे भैया हंसला पंख अरे हंस ले अरे बतावेगी कुछ जब तो हंसो अरे भैया मैं खुशी की बात बताऊंगी अरे बता पहले भैया हाँ अब रोएले छोरी मोह तो ऐसा लगा तू बावरी है बावरी हाँ कबू हंसले भैया कबू रोएले भैया तेरा बनुआ कहा है तू सही सही चुना बता रही मोह मजाक चुक कर रही तो मेरी बात सुन ले कह दे अरे ये तो कट गई सबरी कहा कट गई नाक नाक हाँ नाक तो वही मैं अपनी जगह बैठा रही है सही सलामत अरे गेना भैया और इज्जत की नाक हाँ कैसे कट गई मोह तो ऐसे लगे आज तेरी भाभी की और तेरी लड़ाई है गई लड़ाई नहीं और मेरी बात सुन ले बताइयो बहुत बोल रही है बैठी बैठी अरे भैया सुन ली जोरे ध्यान लगाए बाबरे सुन ली जोरे ध्यान लगा अरे रानी कबाई है तेरी बाग में ओ भैया सुन ली ओ ध्यान लगाए बाबरे सुन बता हाँ तू यूं कह रही है कि रानी तो गई है तेरी बाग में हाँ अरे राजा महाराजा की रानी न की तो शौक हो बाग बगीचे में घूमने की कौन ऐसे सी शौक कौन सी बड़ी बुरी बात है ऐसी चढ़ाई होगा अपनी फूफी चांद पे डुला खूब डुला हिमामपुर में डुला टीके के पांच सात हां मारे आगे तो बड़ी फरिया फारे फरिया फार के कैसे करे आई को ले करार Yeah.
कहा कह रही है भैया? हाँ कबो तो करियाई कॉल करार। अच्छा, अरे जोगिन के संग में जाए रही। एक बात बता। हाँ हमारे बाग 20 साल ते सूखे परे कुआ तालाब नम निर्णय। अच्छा, बाबा जी और महात्मा कहाँ करेंगे आगे? ओ, ओ भैया हाँ। या देख चूतियन का सुन ले बताइए। देखिए हमारे हाँ। तुम्हारे बाग जो 12 साल पहले जली हुए थे ना। अच्छा, आज आज वो बाग हरे भरे हो गए। क्या कहा बहन? पंखा की हवा में खूब सो रहे वो हरे भरे बाग हो गए। और भैया कह बहन, और हमारे तो बागों में जोगी आए हुए। जोगी कह दो सच्चे दरबार। और कैसे है वो? कैसे है बहन बताना? और मेरी बात सुन ले। कह दे बहन। जाते तो आए गए भैया मारे बाग में। अरे जाते तो आए गए भैया मारे बाग में। और क्या है? और है? एक सूखे सूखे बागिया हरी भारी है। सूखे सूखी बागिया हरी भारी कहा बहन भैया।